हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी हां, कल मैंने बताया आपको वो फूड एसआई का भी नोटिस आ गया, उसके थोड़ा डिटेल बताया, बट वो तो आते जाते रहता है। अपना तैयारी जो है, आपका जो नॉर्मल तैयारी है, हमेशा अपने स्पीड में चलते रहना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, एकदम डिमोरलाइज भी नहीं होना है। एग्जाम आएगा जाएगा, ओके। तो आज हम लोग एक ज्योग्राफी का टॉपिक का बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी कोई को बहुत कोई को पता है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे और कभी कभी इंसान का दिमाग से आउट हो जाता है, तो यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा, कंफ्यूजिंग भी होता है। अच्छा, आपको पता है दुनिया में हम लोग का 7 कॉन्टिनेंट्स है, ओके। तो वो 7 कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह सबसे ज्यादा हाइएस्ट पीक कौन कॉन्टिनेंट का क्या है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो एक गाना से शुरुआत करूंगा। आपने रोबोट फिल्म देखा, पहला वाला, रजनीकांत ऐश्वर्या राय का, उसमें एक गाना है और कीली मंजारू तेरा रूप निहारू, और वहां पर देखिएगा अफ्रीका में जाके वो लोग डांस करता है। तो ये जो कीली मंजारू है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है, याद रहेगा। और ये तंजानिया में है, और इसका हाइट कितना, 5895 मीटर। ये मीटर में होता है, फुट में भी होता है, फुट में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सबको मीटर में हम लोग देखेंगे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट का भी मालूम है 8848 मीटर, तो इसका कितना है, 5895 मीटर। और ये एक्चुअली एक डोरमेंट माउंटेन है, डोरमेंट वोल्केनो है। वोल्केनो जैसे कि आपको मालूम है, 3 किस्म का होता है, एक एक्टिव, एक इनएक्टिव और एक डोरमेंट। तो एक्टिव मतलब हमेशा निकलते रहता है उससे लावा, इनएक्टिव मतलब पूरा बंद, और डोरमेंट मतलब कभी भी फट सकता है। ये डोरमेंट से हमको याद आया, एक बार क्या हुआ था, मेरा बैंक का ट्रांजेक्शन थोड़ा रुक गया था, तो अकाउंट जो था ना उसको डोरमेंट कर दिया गया था, यानी कि पूरा बंद नहीं होगा, फिर से एक एप्लीकेशन दिया तो चालू हो गया था। तो डोरमेंट वाला जो रहता है, कोई कोई इंसान भी डोरमेंट होता है, कोई बहुत ज्यादा सामने से आपका बदमाश है, ठीक है, कोई सामने से दोस्त है, और कोई कोई डोरमेंट फ्रेंड रहता है, जो कि पता नहीं चलेगा आपको जो दोस्त है ना दुश्मन है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये डोरमेंट वोल्केनो भी है, और इसी नाम का नेशनल पार्क भी है, किलिमंजारो नेशनल पार्क तंजानिया में है। और ये कहा है, तंजानिया में है। अच्छा, तंजानिया का कैपिटल क्या है, तंजानिया कैपिटल दोदोमा है, DODOMA, दोदोमा, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, तंजानिया अभी रिसेंटली न्यूज में था, आपने सुना ही होगा, हमारा हिंदुस्तान का जो IIT है, पहली बार इंडिया का बाहर एक IIT कैंपस खुलने वाला है, ये तंजानिया में ही। तंजानिया का जंजीबार एक जगह है, वहीं पर खुलने वाला है, और IIT मद्रास का ये कैंपस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अभी आप लोग डिटेल में सब कुछ जानिएगा, अगर नहीं आया तो मेरा नाम इसको बदल देना, कुछ बढ़िया नाम रखना, अच्छा, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, या और भी कुछ बढ़िया, ठीक है। तो हो गया ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। अब आता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है मैकिनले, माउंट मैकिनले। अब देखिएगा, ये मैकिनले का पानी भी आता है, ठीक है, तो माउंट मैकिनले, और इसका दूसरा एक नाम है देनाली, देनाली माउंटेन, और ये अलास्का में है, यूएस का एक स्टेट है। एक्चुअली यूएस में 50 स्टेट है, जैसे हमारा हिंदुस्तान में कितना स्टेट है, 28 स्टेट है आज के दिन में, वैसे यूएस में 50 स्टेट है। सबसे बड़ा जो स्टेट है वो अलास्का है, और सबसे छोटा जो है, ये एरिया वाइज बोल रहा हूँ, रॉड आइलैंड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये देनाली एक नेशनल पार्क भी है, और ये जो देनाली जो पीक है या फिर माउंट मैकिनले, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 6190 मीटर, ओके। तो नॉर्थ अमेरिका भी कंप्लीट। अब आता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट अकंकोगुआ, ठीक है, माउंट अकंकोगुआ, और ये मेनली अर्जेंटीना में है, मगर अर्जेंटीना चिली का बॉर्डर में, थोड़ा सा हल्का सा चिली में भी है ये, बट पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ये अर्जेंटीना में ही है। और ये जो है आंदेस माउंटेन रेंज है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंजेस है, ओके, ये अलग से नॉलेज है, दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंजेस यही आंदेस है, और इसी का ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और इसका हाइट कितना है, 6960 मीटर, 6960 मीटर, ओके। अब आता है यूरोप, यूरोप का जो सबसे हाईएस्ट पूरा जो ये है पीक है, माउंट एल्ब्रूस, जो कि रशिया में है। वैसे आपको पता है यूरोप का सबसे लंबा नदी कौन सा है, यूरोप में ही, रशिया में ही है, क्या नाम है आप कमेंट करके बताइए। और ये जो माउंट एल्ब्रूस है, ये कॉकेसस रेंज में है, कॉकेसस जो रेंज है वहीं पर है, और उसका ये हाईएस्ट पीक भी है, और ये भी एक डोरमेंट वोल्केनो है, और इसका जो मतलब जो मीटर है, ऊंचाई है 5642 मीटर इसका ऊंचाई है, ओके। अब अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपको मालूम है बर्फीला एरिया है, वहां पर कोई भी कंट्री नहीं है, ओके, वहां कोई भी जाता है, अपना रिसर्च सेंटर वगैरह खोलते रहता है। तो अंटार्कटिका का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट विंसन मैसिव, ठीक है, और ये कौन से रेंज में है, सेंटिनल रेंज में है, और इसका हाइट कितना, 4892 मीटर, 4892 मीटर, ओके।
अच्छा अब ओशियानिया में आ जाते, ओशियानिया में थोड़ा सा ट्विस्ट है, हाँ गौर से सुनिएगा। ओशियानिया में तो आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बहुत सारा आइलैंड है, न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ये सब आइलैंड मिलके ओशियानिया बना हुआ, और इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी बोला जाता है। तो यहाँ का जो पूरा ओशियानिया का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट कास्टेंस, ठीक है, और इसका एक दूसरा भी नाम है पोंकक जाया, जो कि न्यू गिनी में है, गौर से सुनिएगा, न्यू गिनी में है, और ये सुदीरमान रेंज में, एक्चुअली इंडोनेशिया का करीब में ही है न्यू गिनी, वो जो सुदीरमान मैंने कहा था ना, और सुदीरमान बैडमिंटन में जो ट्रॉफी होता है इंडोनेशिया से, वही सुदीरमान इनका भी नाम है। और ये जो हाईएस्ट पीक है ओशियानिया का, इसका जो हाइट है 4884 ये ओशियानिया का हुआ। बट अगर पूछा जाए मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, ठीक है, उसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, उसका नाम है माउंट कोजियोस्को, ठीक है, इसका हाइट है 2228 मीटर, और ये मेन रेंज में है, ये जो रेंज का नाम है मेन रेंज में ये है। तो ओशियानिया का एक हो गया और ऑस्ट्रेलिया का एक अलग हो गया, ओवरऑल ओशियानिया का वॉल है। अब आता है एशिया, एशिया को लास्ट में इसलिए रखा है, माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। एशिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, बच्चा बच्चा को मालूम है, ये मेनली नेपाल में है और नेपाल चाइना का थोड़ा सा बॉर्डर एरिया में है, यानी कि नेपाल चाइना दोनों कह सकते हैं, और इसका जो हाइट है 8848 मीटर, और इसका हाइट को मापा कौन था, हमारे हिंदुस्तान के एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था, मैंने एक बार शॉर्ट में भी कहा था आपको, उनका नाम अभी हमको याद नहीं, हाँ राधानाथ सिकदार, उनका नाम है राधानाथ सिकदार, उन्होंने इसका हाइट मापा था ट्रिगोनोमेट्री का हिसाब से, ओके। और ये कौन सा रेंज में आता है, ये हिमालयन रेंज में आता है, ठीक है। अच्छा इसमें भी एक अलग से सवाल पूछा जा सकता है, जो हिमालयन रेंज का एक सब रेंज है जिसका नाम है महालंगूर हिमल, एक्चुअली इसी में आता है, ये अलग से सवाल है, ठीक है। और जो तिब्बतन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चोमोलुंगमा, अच्छा नेपाली भाषा में बोलता है सागर माथा, और चाइनीज लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, जुमुलांगमा फेंग, ठीक है। और ये किसका नाम से रखा हुआ माउंट एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि एक ब्रिटेन का नागरिक थे उस टाइम में, इंडिया के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया यही थे, जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं का नाम से ये माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट में सबसे पहला पार कब उठा था इंसान, 29 मई 1953, जो कि एवरेस्ट डे भी हिसाब से बहुत बार मैंने कह चुका इससे पहले, कौन दो शख्स चढ़े थे, एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के नागरिक थे, और शेरपा तेंजिंग नॉर्गे जो कि नेपाल के नागरिक थे, ओके। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, और ज्ञान तो जरूर बांटे।